बुरहानपुर जिले के ग्राम बोरगांव से रईपुरा ग्राम तक की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 209 लाख की लागत से बनाई गई थी, लेकिन इस सड़क में घटिया क्वालिटी की सामग्री इस्तेमाल की गई है। इतना ही नहीं, यहाँ की सड़क 2 महीने में ही उखड़ गई और 5 किलोमीटर सड़क के निर्माण के बजाय आधा किलोमीटर का ही निर्माण किया गया। पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बुरहानपुर जिले में 209 लाख की सड़क में किस तरह भ्रष्टाचार हुआ है, इसका नजारा बोरगांव से रईपुरा मार्ग पर देखा जा सकता है। इस सड़क के निर्माण स्थल बोरगांव पहुंच मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ओर से एक बोर्ड है, इसमें सड़क की स्थिति दिखाई गई है। बोर्ड के मुताबिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क का नाम बोरगांव से रईपुरा 5.10 किलोमीटर दर्शाया गया है। कार्य प्रारंभ दिनांक 12 नवंबर 2021 और कार्य पूर्णता 11 नवंबर 2022 बता दिया गया है। मार्ग अभी अधूरा ही है। पुरानी सड़क पर मरम्मत, रईपुरा मार्ग से डामरीकृत एक पुरानी सड़क बनी हुई है, इस पर मरम्मत की गई। मात्र आधा किलोमीटर के करीब का नया निर्माण किया गया है, बाकी पुराना ही रोड आज भी यथावत रखा गया है, जबकि बोर्ड में बकायदा नया निर्माण लिखा गया है। आपको बता दें, ठेकेदार द्वारा गारंटी की अवधि 5 वर्ष बढ़ा दी गई है, लेकिन इस रोड निर्माण को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, अभी से रोड उखड़ना प्रारंभ हो गया है। वहीं ठेकेदार सलमी जहांगीर ने गड्ढे को छुपाने के लिए सीसी रोड पर डामर चला दिया, लेकिन ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कर ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सड़क का निर्माण फिर से कराने की मांग भी कर रही है। अभी आपके माध्यम से मुझे बताया गया है कि इसकी कुछ शिकायत हुई है, ऐसी शिकायत होती है और इसके बारे में हम पता करेंगे और जांच करेंगे। जी, अभी अभी आपके माध्यम से ही पता चला है, तो हम पता करते हैं कि इस एजेंसी के द्वारा ये रोड बनाया गया है और उसका आवश्यक कार्रवाई करेंगे। देखिए, रईपुरा तक गणपति नाके से लेके 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है उसकी, लेकिन पहले जो है एक गोलू करके शाहपुर के ठेकेदार थे, उसके द्वारा डामरीकरण का काम किया गया था, पुलिया काम किया गया था, रोड पूरा रईपुरा तक बनाया गया था गणपति नाके से लेके। उसके बाद ये जो नया ठेकेदार कोई सलीम करके आया है, इसने सीमेंट कंक्रीट का बनाया और केवल बनाया उसने केवल गांव तक, जबकि पूरा प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनाया गया रोड है, उसकी लागत 2.09 करोड़ रुपए है। ये रोड की कार्य दिनांक 21/22 में बननी थी, जिसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, वहाँ बोर्ड पूर्णता का लग गया है कि कार्य प्रारंभ दिनांक और कार्य पूर्णता दिनांक, उसका जो रोड बनाया है गुणवत्ताहीन है और सीमेंटीकरण भी उन्होंने डामरीकरण कर दिया है। जो गड्ढे उखड़े थे, मैं शिकायत की गई थी, अधिकारी द्वारा कॉल आता है कि भाई रोड की शिकायत पूर्ण हो गई है, जाँच पूर्ण है, तो ये बताइए आप यहाँ खड़े हो मौके पर कि ये सीमेंटीकरण पर डामरीकरण हो गया है, ये कौन से नियम में लिखा हुआ है कि सीमेंटीकरण पर डामरीकरण किया है?